नमस्ते सभी को, हिंदी सत्र में स्वागत है। तो हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं और अभ्यास एक में मैं द्वारा मैं को देखना, यानी स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना, ठीक है ना। और एक बार जो हम लोग डिस्कशन में कर रहे थे कि मैं और मेरा भाव, तो इस पे हम सटीकता से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अभ्यास को करते हुए हम अपने भाव के प्रति अगर सजग रहेंगे तो उस पे काम ज्यादा अच्छे से और ज्यादा तेज गति से हो पाएंगे। तो मुझे हर क्षण हर समय क्लियर रहना है कि मेरे अंदर भाव क्या है, ठीक है ना। तो अभ्यास एक के स्टेप वन पे हम लोगों ने अपने भाव को देखने का प्रयास किया और उस क्रम में पूरी कल्पनाशीलता को भी देखने का प्रयास किया, परंतु भाव पे ध्यान बनाए रखा, क्योंकि ये अपने को दिखता है कि भाव से विचार तय होते हैं, विचार से ही हमारी आशा तय होती है और फिर से हमारा व्यवहार और कार्य आगे तय होता है। तो भाव वाले पक्ष पे हमको सजग होना है, बिना उसको मूल्यांकित किए, बिना बदले, बिना प्रतिक्रिया किए हम लोग स्टेप वन पे ऑब्जर्व करते रहे, एक प्योर ऑब्जर्वर की तरह बस देखते रहे कि हाँ ये भाव उठा, ये और गिरा, ये भाव फिर उठा और फिर गिरा, एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। अब स्टेप टू और थ्री में हमने मूल्यांकन शुरू किया, हमने देखना शुरू किया कि जो भाव के अंदर है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, उस भाव के साथ मेरी स्थिति सुखद है या दुखद है, दूसरी बात है ना। तो इन दोनों चीजों को हम लोग ऑब्जर्व किया स्टेप टू और थ्री पे। स्टेप फोर पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं निर्णय ले रहा हूँ या कोई बाहर की परिस्थिति निर्णय ले रही है, या कोई अन्य व्यक्ति निर्णय ले रहा है, निर्णय कौन ले रहा है। और थोड़ा ध्यान देकर हमने पाया कि अल्टीमेटली निर्णय मैं लेता हूँ, और जैसे मैं इस बात को अपने आप में देख पाता हूँ उससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तो यह है कि मैं देख पाता हूँ कि मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, स्वयं में परिमार्जन की आवश्यकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। और दूसरा जो निष्कर्ष यहाँ से निकलता है वो ये है कि मैं शिकायत मुक्त हो पाता हूँ। अभी तक जो मेरे अंदर दुख है उसके लिए मैं दूसरों को जिम्मेदार मानता था, परिस्थितियों को जिम्मेदार मानता था, अब मैं ये देख पाता हूँ अल्टीमेटली उन परिस्थितियों में जो मैंने निर्णय लिया उसके कारण मैं दुखी हुआ, उसके कारण मैं स्वयं में समस्या ग्रस्त हुआ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो अब ये जो बाहर की चीजों को ब्लेम करना है उससे मैं निकल पाता हूँ, शिकायत मुक्त हो पाता हूँ, ठीक है। और इसमें एक बात जो कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम अब बाहर की चीजों के लिए, बाहर की चीजों को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, है ना, और हम हो सकता है अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें हर चीज के लिए जो मेरे साथ गलत हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा। ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है, ये भी कोई ठीक बात तो नहीं है। तो यहाँ पे हम ये भी करेंगे कि अपने को ब्लेम करने के बजाय हम अपने आप में देखेंगे कि कौन सी ऐसी मान्यता है जिसके आधार पर गलत निर्णय हुए। जैसे जैसे हम लोग स्टेप फाइव स्टेप सिक्स में जाएंगे ये बातें और क्लियर होंगी। तो ये तो करने का काम है। दूसरा, ये भी इसके साथ जुड़ा हुई बात है कि मैं अपने सुख दुख के लिए तो 100% जिम्मेदार हूँ, परंतु जो परिस्थितियां बाहर है उसके लिए 100% जिम्मेदार नहीं, मैंने बहुत सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है उसमें। बट हाँ, यदि मैंने डिसीजन ली, कोई गलत लिया है जिससे स्थिति बिगड़ गई है, तो उतनी भाग की जिम्मेदारी तो मेरी है ही, तो उसमें मैं ठीक से काम करूंगा, अपने अंदर काम करूंगा कि नहीं। तो ये बात हम लोग कल तक ऑब्जर्व करते रहे, उसको ध्यान में रख के हमने कुछ असाइनमेंट्स लिए। हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि मैं अपने भाव के लिए तो जिम्मेदार हूँ, परंतु जो परिस्थितियां बाहर है उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों का योगदान रहा है। और उसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें जो मैंने निर्णय लिए, ठीक है ना, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो इन तीन चीजों को हम देख सकते हैं, एक तो मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, दूसरा मैं जिम्मेदार हूँ परंतु उसके लिए अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, और तीसरी बात की जो बाहर की परिस्थितियां हैं उसमें जो मेरी भागीदारी रही है उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ, बट जैसी परिस्थितियां बनी है उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार नहीं। तो इन दोनों ही बातों को देखना है। कई बार क्या होता है, या तो हम बाहर को लेकर शिकायत से भरे रहते हैं, उनको ब्लेम करते रहते हैं, या फिर उसमें एक शिफ्टिंग हो जाती है, हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं,
तो ब्लेमिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। ये आरोप लगा देना या शिकायत से भर जाना, चाहे स्वयं के प्रति या दूसरे के प्रति, ये समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि मुझे सही दिख जाए, मैं शिकायत मुक्त हो जाऊं, है ना, मैं पीड़ा मुक्त हो जाऊं। तो कल दिन भर के अभ्यास से, कल दिन भर के अपने आप में ऑब्जर्वेशन से, लेकिन ये कोई प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं। तो ये हमको दिख सकता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, जो मेरे में भाव बन रहे हैं उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। अगर ये बात हमको सहज से दिख पाती है तो बहुत ही उपकार है इसका। फिर तो मैं अपने ऊपर काम करता रहूंगा, फिर मैं परिस्थितियों को देख के नहीं चलूंगा। कि ऐसा नहीं कि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, आराम में आगे बैठ बैठ के टाइम पास करने लगे, और परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो हम हाय तौबा मचाने लगे। ठीक, ये भी नहीं करूंगा। तो मैं अपने ऊपर निष्ठापूर्वक काम करूंगा, है ना। और जितना जितना अपने ऊपर हम निष्ठापूर्वक काम करते हैं, काम करने की दिशा क्या होगी, काम करने का तृप्ति बिंदु क्या होगा, ये सब भी स्पष्ट होने लगता है। भैया, जो स्टेप 1 की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम अपने विचार और भाव को देख रहे हैं, और उसी में हम फिर हमारे विचार या भाव जो है सहज स्वीकृति के आधार पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। लेकिन अभी सहज स्वीकृति है या ये स्वीकृति है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा इसमें बताएं भैया कि सहज स्वीकृति और स्वीकृति दोनों में फर्क क्या है। जी, अभी स्टेप 5 पे जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तीन मुद्दों पे काम करेंगे, है ना, जब कह रहे कि समझ है कि मान्यता है, इसको विस्तारित करेंगे अभी, तो ये सह स्वीकृति या मेरी स्वीकृति भर है। तो सह स्वीकृति के साथ देखिए तो ये दिखता है कि ये बाहर से मानी गई कोई बात नहीं है। ठीक, ये स्वयं में मेरा स्वत्व है, मेरा इनेटनेस है। तो मेरा स्वत्व है ना, कि बाहर से कोई मानी गई, लाई गई, इम्पोज की कोई बात है। दूसरी बात ये भी दिखाई देगी कि ये समय के साथ बदलता नहीं है। अगर सह स्वीकृति है तो कोई चीज अगर समय के साथ बदल रहा है, उम्र के साथ बदल रहा है, परिस्थिति के साथ बदल रहा है, तो या तो विचार है कोई, है ना, या फिर मेरी स्वीकृति है, सह स्वीकृति नहीं। तो एक तो ये भी बात दिखाई, समय बदलता। दूसरा, तीसरी बात ये दिखाई देगी, यूनिवर्सल है, जो मुझ में है वही सब में है, जो मेरी सह स्वीकृति है वही हर एक की है, ये भी दिखाई देगा। जी, आवाज स्पष्ट है, मतलब आवाज पहुंची आप तक? हाँ, आवाज आ रही भैया, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसी चीजें हैं उदाहरण जो। दीजिए, कोई उदाहरण लीजिए तो उसमें बात हो सकती है। जैसे भैया सुबह उठने का है, तो सुबह उठने का जो है कई सबका अलग अलग होता है। तो जो 8 बजे उठ रहा है वो भी उसकी उसकी स्वीकृति उसके अनुरूप पहले उठ नहीं पाता है, तो अब वो उसमें कंफर्टेबल है। ऐसे कई सारी चीजों में हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अब वो सहज स्वीकृति के अनुरूप है या नहीं है उसको कैसे जांचे। तो क्या हुआ, ये हमारी योजना कार्यक्रम का मुद्दा है जो विचार से तय हो रहा है। ठीक, उसके पीछे कुछ भाव है वो हम देखेंगे। तो सुबह उठना है, क्यों उठना है, ये अपने आप में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोई सुबह सुबह उठ के वीडियो गेम खेल रहा है, कोई बहुत सार्थक कार्यक्रम तो नहीं है, है ना। तो सुबह क्यों उठना है तय करेंगे। तो सुबह उठना है शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए, है ना, या अन्यथा। तो जैसा अभी हम कर रहे हैं, शरीर के सदुपयोग के लिए सुबह उठ रहे हैं, कि जो खेती करनी है, उत्पादन करना है, तो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए उसको साधन जुटाने, सुविधा जुटानी है, तो उसके लिए सुबह उठता है, खेत पे जाता है। किसी को फैक्ट्री जानी है, सुबह उठ के फैक्ट्री जा रहा है। अब कोई रात में देर तक काम किया है तो सुबह नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसको शरीर को पर्याप्त जो आराम चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो इन सब बातों को हम देखेंगे कि सुबह उठने का प्रयोजन क्या है। तो अगर हम सुबह उठने में फंस गए कि सुबह उठना आवश्यक है, ठीक, फिर तो मुद्दा बिगड़ेगा। फिर तो अगले व्यक्ति के अंदर कारण है कि सुबह क्यों नहीं उठना है। फिर वो आपको गिनाएगा कि देखिए दुनिया के इतने लोग हैं जो इतने, है ना, जिनको सफल कहा जाता है, जो देर से उठते थे। तो आप कहेंगे नहीं, इतने लोग सफल हैं जो सुबह उठते थे, अब उससे कुछ तय नहीं होगा। तो सुबह क्यों उठना है
ये निश्चित होना जरूरी है। ये सहस्वीकृति का मुद्दा है, सुबह क्यों उठना है, संरक्षण सदुपयोग के लिए अन्यथा। अगर अन्यथा है तो कोई मान्यता हमारी गलत बन गई है, अगर इसके अर्थ में है तो सहस्वीकृति। अब शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम बन सकते हैं। तो सुबह उठने का प्रयोजन तो ये है कि शरीर का सदुपयोग हो, परंतु शरीर के सदुपयोग के लिए सुबह उठना ही एकमात्र कार्यक्रम है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ही और भी में अंतर करना जरूरी है। तो जब हम यहां से देखते हैं तो सुबह क्यों उठना है, तो शरीर के सदुपयोग के लिए, परंतु शरीर के सदुपयोग के लिए उठना सुबह भी एक कार्यक्रम है, यही एक कार्यक्रम है, ऐसा नहीं। तो इस पर भी हम क्लियर रहेंगे अपने आप में, नहीं तो हम फंस जाते हैं ना, फिर लेकिन परिवार सदस्य नहीं उठ रहे हैं, हम इरिटेट होते हैं। जी यूं अब ये मान्यता ही है कि सूर्योदय के पहले उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, या इस तरह की एक यूनिवर्सली ये मान्यता है, लेकिन कई आजकल जो रूटीन से उसमें सुबह उठना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन मेरा वहां से आ रहा थोड़ा सा कि सूर्योदय से पहले उठना उसको चाहिए। उसको भी देख ले जी, उसको भी देख ले कि हो सकता है अभी हमें दो विकल्पों में चुनाव करना है, ठीक है ना। तो सुबह उठने स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक, एक बात है। बट यदि हम सुबह उठ जाते हैं और काम ही ऐसा कि देर तक जगना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, शरीर में थकावट रह रही है, शरीर टूट रहा है, बीमारियां हो रही हैं, तो कहाँ स्वस्थ हुआ। नहीं, लेकिन भैया काम नहीं, काम नहीं है, लाइफ स्टाइल है एक्चुअली। अभी जो चल रहा है, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो रात को, चाहे काम हो नहीं हो, चाहे उनका फ्रेंड से मिलना हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई भी रीजन हो, तो एक दो, और चाहे पढ़ना भी हो तो पढ़ने का काम भी बच्चे जनरली रात को दो दो तीन तीन बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो फिर वो सुबह नहीं उठ सकते। जबकि पुराने समय पर ऐसा था कि, या मैं अपनी बात करूं तो उस समय ऐसा था कि सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई करते थे, तो रात को 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे सो जाते थे। तो ये प्रकृति के अनुकूल भी हो गया है। तो इस तरह की एक मान्यता बनी हुई कि प्रकृति के अनुकूल, क्योंकि सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे दिन ढलने के बाद सोने का कार्यक्रम होता है और सूर्योदय के साथ उठने का कार्यक्रम होता है, और ये पूरी प्रकृति कर रही होती है, लेकिन मनुष्य नहीं कर रहा है। जी जी देखिए, तो उसमें भी ना, अगर हम अगले व्यक्ति एक्सप्लेन करने जाते हैं तो उसके साथ हम ये ना कहते तुम्हें उठना चाहिए, हम उसके प्रयोजन को रखें कि ये बताइए कि पढ़ाई अच्छे ढंग से करने के लिए क्या ठीक है, सुबह उठना ठीक है या देर तक पढ़ के सुबह देर तक उठना ठीक है, उससे हम पूछ ले, फिर उसके रीजंस क्या आते हैं उसको सब देखें। तो कई बार बच्चा ये भी कह सकता है हम कि भाई स्वस्थ क्यों रहना है, ठीक है थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, तो अभी स्वास्थ्य भी क्यों सुनिश्चित करना है ना, ये भी क्लियर नहीं है। पढ़ाई क्यों करना है, ये भी क्लियर नहीं है। जीना क्यों है, यही क्लियर नहीं है। तो अगर आप बच्चों से बैठ के बात करेंगे या किसी के साथ बैठ के बात करेंगे तो उनके जो भी प्रश्न आते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें उनकी मान्यताओं का पता चलता है, और फिर हम वहां पे समाधानित हो पाते हैं अपने आप में भी और दूसरे को भी समाधानित कर पाते हैं। तो दूसरे से डायलॉग करें, ठीक है ना, दूसरे से संवाद करें और देखिए कि दूसरा कहाँ फंसा हुआ है, दूसरा खुद से उस निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो वहां आपको बहुत सारी और चीजें पता लगेंगी, जहां हम चीजों को एक तय कर दे रहे थे दूसरे के लिए, दूसरे को सुबह उठना चाहिए और नहीं उठ रहा तो इरिटेट हो रहे हैं, उसके स्थान पर हम ये समझ पाते हैं कि दूसरा अगर सुबह उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, सुबह नहीं उठ रहा है तो क्यों नहीं उठ रहा है। हो सकता है कोई अगला व्यक्ति है ना, उसके अंदर सुविधा संग्रह की, अच्छा जॉब, ऐसा जॉब पाने की इसमें काफी हाई पैकेज, जो बिलियनर बनने की स्ट्रांग इच्छा है, ठीक, और हमने उसको कहा कि सुबह उठने से पढ़ाई अच्छी होती है, वो रोज सुबह उठता है, खूब पढ़ाई करता है, अल्टीमेटली बिलियनर बनने के लिए क्या उपकार हो गया उससे। कोई है जो देर तक सो रहा है भले ही, परंतु उसके साथ परिवार के साथ जुड़ के रहने की इच्छा है, परिवार के लिए कुछ शुभ करने की, समाज के लिए शुभ करने की इच्छा है, तो अल्टीमेटली तो है ना, हम सही डिस्कस पे नहीं पहुंचा पा रहे अपने इस आग्रह के कारण कि सुबह उठना ही चाहिए, क्योंकि तो कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं ये देखने की बात है। इन सब चीजों पे थोड़ा एक्सप्लोर अपने आप में करना पड़ेगा। आप कई बार पाएंगे कुछ बच्चे बहुत स्टूडियस होते हैं, ठीक है, और उनका पूरा लक्ष्य है कि मुझे बिलियनर बनना है, विदेश जाना है, खूब मौज मस्ती करनी है, खूब पैसा कमाना है, खूब भोगना है, और आपके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, बट लक्ष्य क्या है, बिलियनर बनना है, उससे क्या उपकार हो गया,
कोई उपकार नहीं हुआ। इन सब चीजों को भी ऑब्जर्व करना है। तो जब हम कार्यक्रम में फंस जाते हैं और लक्ष्य ध्यान में नहीं रहता तो हमारा नुकसानदेह हो जाता है। जैसे अगर हम ये मान लें कि भाई सबको पढ़ा देना है, सबको शिक्षा देनी है, अच्छी बात है, पर तो शिक्षा क्यों देनी है? तो अगर शिक्षा का मतलब ही है कि हमको शरीर से श्रम ना करना पड़े, सारा काम दूसरे से करवाना है, और हमने सबको शिक्षा दे दी इस मान्यता के साथ, और सबने सुबह उठ के पढ़ाई कर लिया, सबने बिलीनियर बनने की इच्छा बना ली, इससे तो समाज और डूब जाएगा। तो हमें तो लक्ष्य को ठीक से स्पष्ट होना है, क्यों प्रश्न का उत्तर ठीक से अपने आप में भी स्पष्ट करना है, दूसरे के लिए भी। तो हमको पता लग गया कि अल्टीमेटली सहस्वीकृति का मुद्दा तो लक्ष्य तय होता है, ठीक है ना, योजना कार्यक्रम में नहीं। योजना कार्यक्रम तो विचार बनते हैं, भाव लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वहां मुझे स्पष्ट होना है, स्पष्ट करना है दूसरे को भी। हमको अपने निर्णय के आधार को देखना है, तो हमारे में जो भाव हो रहा है, भाव बन रहा है, उसका भी आधार क्या है। और ये जो परस्परता में भी निर्वाह की बात आती है, उसमें भी दिखता है कि उसका आधार क्या है। जो दोस्तों का चयन किया वो भी, जो परिस्थितियों में हमने भागीदारी का चयन किया वो भी। तो निर्णय का आधार क्या है ये हमको देखना है। स्टेप फोर में हमने देखा कि इस क्षण मुझ में जो भाव है उसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस भाव का निर्णय मैं किस आधार पर लेता है, मैं किस आधार पर अपने भाव विचार के निर्णय को लेता हूँ, सही समझ के आधार पर या मान्यता बिना सही समझे। जब सही समझ पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूँ जो मुझे सहज स्वीकार होते हैं, जिनसे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। जब मैं किसी मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ तो यह निश्चित नहीं रहता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा, जो भाव मुझे सहज स्वीकार होते हैं उनके पक्ष में या किसी और भाव के पक्ष में, और मेरी स्थिति क्या होगी इसकी निश्चितता नहीं होती। मैं आराम में रहूंगा या परेशान होऊंगा, संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में जाऊंगा, सुखी रहूंगा या दुखी होऊंगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना आवश्यक है, बाहर की परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो हमें ये बात स्पष्ट होती है स्टेप फोर में कि मैं अपने भाव का निर्णय स्वयं लेता हूँ, अब देखना उसका आधार क्या है, सही समझ है या कोई मान्यता है। तो यदि सही समझ के आधार पर निर्णय लेता हूँ, आराम में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, किसी मान्यता जो समझ के अभाव में है उसके आधार पर लेता हूँ तो मेरे सुखी कोई निश्चितता नहीं है। सामयिक रूप से कभी सुखी कभी दुखी, कभी आराम में कभी परेशान, तो से हिलना डुलना चलता रहता है मेरा। इसको आज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एज एन असाइनमेंट, इसको अपने आप में करना है। तो आज असाइनमेंट के रूप में ये रहेगा कि हम देखें कि मैं किस आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, सही समझ के आधार पर या मान्यता के आधार पर, ठीक है। और इसका टेस्ट ये है कि अगर सही समझ के आधार पर लेंगे तो अपने आप में आराम में रहेंगे, संगीत में रहेंगे, सुखी रहेंगे। मान्यता के आधार पर लेंगे तो उसमें दुखी परेशान होंगे, संगीत में नहीं रहेंगे। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना है ना, ये आवश्यक है। इसलिए स्वयं में समझने की जरूरत है। स्टेप फोर में हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या काम करना है? तो सही समझना है, सही भाव सुनिश्चित करना है, ये काम करना है। ये स्टेप फाइव में हम कंक्लूड कर सकते हैं, बट इसको हम लोग और ऑब्जर्व करेंगे। अभी भी हम इसको थोड़ा ओपन रखें कि अभी हम जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका आधार सही समझ या मान्यता। जैसे कई बार ये भी होता है कि हम इन चर्चाओं के प्रभाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ सब मान्यता अपना हो रहा है, सब गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक नहीं जी रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, बस अपने को ब्लेम करके हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो यदि कोई मान्यता है तो क्या है और समझ है तो किस प्रकार, ये भी अपने आप में देखना पड़ता है। तो असाइनमेंट ग्रुप में यही रहेगा है ना कि हम अपने भाव विचार के आधार को देखें। तो अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं, मैं अपने भाव विचार का निर्णय स्वयं लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस पर भी काम करेंगे, ठीक, और उसके साथ फिर इसको देखेंगे।